बरेली से दिल्ली लाकर स्मैक सप्लाई करने वाले एक शातिर ड्रग्स तस्कर को दबोच लिया है। बाहरी जिला स्पेशल स्टाफ पुलिस ने तस्कर को दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान विकास उर्फ विक्की के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 3 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद की है। दरअसल आउटर जिले के स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर अजमेर सिंह के निर्देशन में पुलिस टीम बदमाशों को पकड़ने के लिए उनके इन्फॉर्मेशन जुटा रही थी। उनको विकास के बारे में पता चला कि वो सुल्तानपुरी इलाके में लाखों रुपए की स्मैक लेकर आया है। पुलिस टीम ने सुल्तानपुरी इलाके में घेराबंदी कर विकास को दबोच लिया, जिसके कब्जे से 3 लाख रुपए की स्मैक जब्त की। आरोपी से पूछताछ करने पर पता चला कि वो बरेली से किसी व्यक्ति से स्मैक लाया था, जिसके बारे में पता करके उसे भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि विकास 2009 में सुल्तानपुरी इलाके में एक हत्या में आरोपी सजा काट रहा है। वो पैरोल पर बाहर आया हुआ था, जिसके बाद वो ड्रग सप्लाई करता हुआ पकड़ा गया। पुलिस आरोपी विक्की से मुख्य सप्लायर के बारे में जानकारी जुटाकर बड़े गैंग का पर्दाफाश कर सकती है।